हेलो बच्चों, क्लास है बीएससी थर्ड ईयर और इसके साथ में ही बीएससी बीएड फोर्थ ईयर। जो इंटरग्रेटेड फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, जो इंटरग्रेटेड थर्ड ईयर से प्रमोट होकर के फोर्थ ईयर में गए हैं, इन दोनों क्लासों के लिए मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। मैंने कार्बोहाइड्रेट से संबंधी एक पार्ट करवा दिया, उसमें सिर्फ मैंने बीएससी थर्ड ईयर लिखा है, लेकिन वो पार्ट भी जो इंटरग्रेटेड फोर्थ ईयर के बच्चे हैं उनको देखना है, वो पार्ट उनके लिए भी है। सेम ही लगता है कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक। और बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों के लिए तो मैंने सिलेबस या यूनिट की चर्चा कर ली थी। एक बार मैं पहले जो इंटरग्रेटेड फोर्थ ईयर के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सिलेबस पर चर्चा कर लेती हूँ। बीएससी बीएड पार्ट फोर्थ यानी कि इंटरग्रेटेड फोर्थ ईयर के बच्चे हैं उनके लिए है, उनके एक पेपर लगता है और उस पेपर का नाम है एडवांस केमिस्ट्री। क्या है उस पेपर का नाम? एडवांस केमिस्ट्री। एक पेपर लगता है केमिस्ट्री का और उसकी 5 यूनिट में इस पेपर को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और जिसके अंदर दो चैप्टर हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, एक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। एक में तो हमें क्या करना है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को पढ़ना है और एक में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पढ़ना है। ये हो गई यूनिट फर्स्ट की बात। यूनिट सेकंड के अंदर हेटेरोसाइक्लिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये यूनिट है जिसके अंदर दो चैप्टर होते हैं, एक तो हेटेरोसाइक्लिक में डिवाइड कर देते हैं और दूसरा होता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस यूनिट को दो चैप्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वाला जो चैप्टर है वो बीएससी थर्ड ईयर में भी लगता है और वो इंटरग्रेटेड फोर्थ ईयर में भी लगता है, इसलिए इस चैप्टर को भी मैं दोनों क्लासों को साथ में ही करवाऊंगी। और फिर उसके बाद में यूनिट थर्ड आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने पिछले साल UVIR पढ़ ली थी, अब बची हुई है वो क्या है, NMR। और NMR भी बीएससी थर्ड ईयर में भी लगती है और इंटरग्रेटेड फोर्थ ईयर में भी लगती है, इसलिए हम इस चैप्टर को भी साथ में करेंगे। फिर उसके बाद में आता है केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने शुरू कर रखा है, जो बीएससी थर्ड ईयर के अंदर भी है और इंटरग्रेटेड फोर्थ ईयर के अंदर भी है। और दूसरा चैप्टर है अमीनो एसिड पेप्टाइड्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये चैप्टर भी बीएससी थर्ड ईयर के अंदर लगता है और इंटरग्रेटेड फोर्थ ईयर के अंदर भी लगता है, ये भी हम साथ में करेंगे। ये जो यूनिट फिफ्थ है ये आपके लिए नई है, इसको हम अलग से करेंगे, जैसे इंटरग्रेटेड फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए अलग से होगी ये। और इसके अलावा जो बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों की जो यूनिट बच गई है वो मैं अलग से करवाऊंगी, दोनों क्लासों की अलग अलग वीडियो बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की मैंने एक पार्ट करवा दिया है, जो इंटरग्रेटेड फोर्थ ईयर के बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष सूचना यही है कि वो पार्ट फर्स्ट को देखें जिसको हमने डाल दिया है, और उसके बाद में सेकंड नंबर पार्ट से मैं यहाँ पर दोनों क्लासों का नाम लिखूँगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बो प्लस हाइड्रेट से मिलकर बना है, हमने चर्चा की थी किससे मिलकर बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट से मिलकर बना है। और कार्बो का अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ होता है H2O, यानी कि कहने का मतलब है कि कार्बन के जो जलयुक्त यौगिक होते हैं उनको हमने कार्बोहाइड्रेट नाम दिया था, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने इनको क्लासिफिकेशन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया था, एक थी शर्कराएं और दूसरी क्या थी, अशर्कराएं। शर्कराएं जो थी उनको हमने कई भागों में डिवाइड किया,
जैसे सबसे पहले हमने मोनोसेक्राइड, जो आगे जल अपघटित तो नहीं हो सकते, उसके अंदर हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज का रखा, और ओलिगोसेक्राइड जिसके अंदर हमने डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड को रखा, जिनको जल अपघटित करके 2, 3, 4 मोनोसेक्राइड इकाइयों में तोड़ा जा सकता है, जिसके अंदर डाइसेक्राइड में हमने सुक्रोज किया और ट्राई और टेट्रासेक्राइड में हमने रेफिनोज और स्टेकियोज सरकरा की बात की। और ऐसरकराएँ जो होती हैं वो एक्रिसलिएटोस के रूप में पाई जाती हैं, मीठी नहीं होती और ना ही जल में विलयशील होती है, जिसके अंदर हमने पॉलीसेक्राइड को रखा, और पॉलीसेक्राइड को अगर जल अपघटित करवाते हैं तो वह कई मोनोसेक्राइड इकाइयों में टूट जाता है। तो इस तरीके से ये मैंने क्लासिफिकेशन इसके पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने करवाया है, एक बार फिर आपको रिपीट कर दिया। आप इससे पहले वाली वीडियो जो इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर के बच्चे हैं वो विशेष तौर से देखें। और अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आती हैं कार्बोहाइड्रेट की सामान्य अभिक्रियाएं, और कार्बोहाइड्रेट की सामान्य अभिक्रियाएं, और सामान्य अभिक्रियाओं में हम किन की अभिक्रिया की बात करेंगे, मोनोसेक्राइड की, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं मोनोसेक्राइड की सामान्य इकाइयाँ, सामान्य रिएक्शंस, मोनोसेक्राइड्स की सामान्य रिएक्शन। और मोनोसेक्राइड के अंदर हमने इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड किया है, यानी कि मोनोसेक्राइड इकाई एक क्या होती है, ग्लूकोज, और दूसरी क्या होती है, फ्रक्टोज। अब देखिए जो ग्लूकोज होता है उसका अणुसूत्र भी क्या होता है, C6H12O6 होता है, और इसका अणुसूत्र भी C6H12O6 होता है, लेकिन दोनों की संरचना में अंतर पाया जाता है, ठीक है। अब हम ग्लूकोज की बात करें तो CH होता है, यहाँ पर CHOH इस तरीके से शो करते हैं, 3 नंबर कार्बन में OH इधर होता है, H और OH और इसको बोला जाता है CH2OH। इस तरीके से ये 6 कार्बन की एक श्रृंखला बन जाती है, जिसमें से 4 कार्बन है उसको अगर कंबाइंड करें तो यही होगा CHOH, इसीलिए इसको कंबाइंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं CH और CHOH की 4 और CH2OH, और इसको क्या बोला जाएगा, ग्लूकोज, क्या बोला जाएगा, ग्लूकोज, ऐसे लिख सकते हैं हम। फिर उसके बाद में फ्रक्टोज जो होता है उसके अंदर कीटोनिक समूह प्रेजेंट होता है, 2 नंबर कार्बन में कीटोनिक समूह और 3 नंबर में OH और H और 4 में H और OH और यहाँ पे भी H और OH और CH2OH ऐसे पाया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, फ्रक्टोज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ्रक्टोज। अब देखिए यहाँ पर हमने ग्लूकोज में जैसे 4 कार्बन को CHOH की फॉर्म में लिया है, वैसे यहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, ये 3 कार्बन CHOH की फॉर्म में होते हैं, CHOH, तो हम इसको कंबाइंड करके लिख सकते हैं, और कंबाइंड करके लिखेंगे तो CH2OH C डबल बॉन्ड O और CHOH की थ्राइस और CH2OH, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में फ्रक्टोज को ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों का अणुसूत्र सेम होता है, संरचना सूत्र में भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए जो हम इनकी सामान्य अभिक्रियाएं या इनकी कुछ रिएक्शंस हैं उनकी बात करेंगे, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की ये शॉर्ट फॉर्म काम में लेते हैं और फ्रक्टोज की ये शॉर्ट फॉर्म हम काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी बड़ी रिएक्शन काम में लें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रिएक्शन को करना, इसलिए शॉर्ट फॉर्म को करके रिएक्शन करते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों की संरचनाओं की बात करेंगे, आगे इसी चैप्टर में इनकी संरचनाएँ आएंगी, तब हम इन फॉर्म को लेंगे पूरे को। तो हम सामान्य अभिक्रिया की बात करते हैं, और जो फर्स्ट नंबर हमारी जो रिएक्शन आती है उसकी हम बात कर रहे हैं, और उस रिएक्शन का नाम है
एसिटिलीकरण, क्या है एसिटिलीकरण। तो हम हेडिंग ये लगा देते हैं मोनोसेक्राइड की सामान्य इकाई, सामान्य रिएक्शंस, सॉरी मोनोसेक्राइड की सामान्य रिएक्शंस, जनरल रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। और जिसके अंदर पहली रिएक्शन आती है एसिटिलीकरण, क्या आती है एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। और एसिटिलीकरण रिएक्शन करवाते हैं तो किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है उसको ऐसे शो कर सकते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और CH3, या फिर हम इसको CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ और ओ और CH3CO2O, तो इसको क्या बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं हम, तीनों का ही स्ट्रक्चर सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं और ग्लूकोज की शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं, ये ग्लूकोज की शॉर्ट फॉर्म है। और इसके साथ में हम क्या करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे, क्या करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने के दौरान CH3CO वो तो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये H दूसरे CH3COH, ये H क्या करेगा इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ H लगा दूँ तो एसिटिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और COCH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब देखो यहाँ तो कोई H है नहीं, यहाँ 4H हो गए, एक 5 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा 5 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 लेंगे तो यहाँ पे CHO आ जाएगा और यहाँ CHO CO CH3, क्यों ये O तो रहेगा ही, यहाँ से क्या निकल रहा है H निकल रहा है, ठीक है। और इसके साथ में क्या जुड़ रहा है COCH3 जुड़ रहा है, वो जोड़ दिया हमने, कितने है टोटल 4, तो पीछे क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। और फिर यहाँ CH2OCOCH3 ऐसे आ जाएगा। और ये क्या है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ में जो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के, इसको बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, नाम भी लिखना है नीचे। तो ये क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल का एडिशन किया है और इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, क्या हो जाएगा पेंटा एसीटेट। तो 5 मॉलिक्यूल जुड़ गए और क्या प्राप्त हो गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम फ्रक्टोज के साथ भी करवा रहे हैं क्योंकि हम दोनों की रिएक्शन साथ साथ में लेंगे, दोनों ही क्या है मोनोसेक्राइड्स हैं। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे फ्रक्टोज CH2OH और 2 नंबर कार्बन कीटोनिक समूह और फिर CHOH की थ्राइस और CH2OH ये जुड़ जाएगा। अब देखिए इसके साथ भी हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे और एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर कीटोनिक समूह के साथ तो जुड़ नहीं सकता, यहाँ पे H है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे 3H है तो 3 यहाँ जुड़ जाएंगे, 1 यहाँ जुड़ जाएगा, टोटल कितने हो गए 5। तो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल ले लेंगे, इनके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने पर क्या बन जाएगा ये CH2O तो रहेगा, यहाँ COCH3 जुड़ जाएगा और नीचे सी डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसे कैसे आ जाएगा और CHOH के साथ जुड़ेगा तो वो तो रहेगा ही, और यहाँ से 3H बाहर निकल गए, COCH3 आ जाएगा और CH2OCOCH3 और यहाँ पे 3 निकले हैं तो ब्रेक लगा कर यहाँ क्या कर देंगे 3 कर देंगे। इसके साथ ही एसिटिक एसिड के 5 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं तो इस रिएक्शन में 5CH3COH लिखा जाएगा और इसके साथ भी
5CH3COH लिखा जाएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड के इसका नाम है एसिटिक एसिड के पांच मॉलिक्यूल बाहर निकल गए और हमें क्या प्राप्त हो गया, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। और फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट। क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से एसिटिलीकरण की क्रियाविधि के द्वारा हम ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बना सकते हैं और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी एसिटिलीकरण की रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, तो सब में हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को साथ साथ ही लेंगे और साथ साथ ही रिएक्शन करवाएंगे। अब देखिए सेकंड रिएक्शन है PCl5 के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, किसकी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, यानी कि मोनोसेक्राइड्स की। तो मोनोसेक्राइड्स की सामान्य अभिक्रियाएं कर रहे हैं। दो नंबर रिएक्शन आती है PCl5 के साथ अभिक्रिया, इसकी कुछ रिएक्शंस हैं जो हम करेंगे और उसके बाद में इनकी संरचनाओं से संबंधित बात करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज की जो शॉर्ट फॉर्म हम काम में ले रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। और इसके साथ PCl5 की अभिक्रिया करवाएंगे, और PCl5 की जब रिएक्शंस करवाते हैं तो अगर हमारे पास हाइड्रोक्सी समूह होता है तो वो हाइड्रोक्सी समूह बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस CHO ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और CHOH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और 4, और यहाँ पे CH2 Cl आ जाएगा, और ये H हैं वो Cl के साथ जुड़ करके HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और बाकी पीछे क्या बच गया, POCl3, वो POCl3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल होता है जैसे CH2OH और ये हो, इसके साथ PCl5 की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमेशा ही ये HCl की फॉर्म में बाहर निकलता है, एक Cl यहाँ जुड़ जाता है तो बनता है RCH2Cl और HCl और POCl3। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 5 Cl जोड़ रहे हैं, इसलिए 5 PCl5 रिएक्शन करेंगे और 5 HCl बनेंगे, 5 फास्फोनील क्लोराइड। तो इसको बोला जाता है फास्फोनील क्लोराइड, इसका नाम होता है फास्फोनील क्लोराइड। तो अपने क्या करते हैं, ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करवा ली हमने, तो अब देखिए कितने Cl जोड़े हमने, 5, हम लिख सकते हैं पेंटा क्लोरो हो गया, और ग्लूकोज की इकाई है तो क्या हो जाएगा, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी प्रकार अगर फ्रक्टोज काम में ले रहे हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ CHOH3 और CH2OH ये ले लिया हमने, और इसके साथ में PCl5 की विक्रिया करवाएंगे, और PCl5 की विक्रिया करवाने पर अब देखिए ये OH निकलेगा, एक तो 3 OH ये निकलेंगे, एक ये निकलेगा, टोटल 5 निकलेंगे, पीछे भी 5 ही निकले थे, तो CHOH की जगह अब क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O ऐसी कैसे आ जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, और CHOH की जगह CHCl आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, थ्राइज लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी थ्राइज ही है, और ये OH निकलेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, CH2Cl आ जाएगा, ठीक है। और उसके पश्चात यहाँ HCl के साथ में रिएक्शन हो जाएगी और साथ में POCl3 बन जाएगा, और 5 Cl है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पेंटा क्लोरो, ये भी यहाँ भी क्लोरो आएगा, और क्या बन जाएगा,
फ्रक्टोज, क्या बन जाएगा? पेंटा क्लोरो फ्रक्टोज बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने PCl5 के साथ में रिएक्शन करवा सकते हैं और पेंटा क्लोरो ग्लूकोज और पेंटा क्लोरो फ्रक्टोज बना सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है ग्लूकोसाइड का बनना, क्या आती है? ग्लूकोसाइड का बनना। और ग्लूकोसाइड बनाने के लिए अपने क्या करते हैं? CH3OH यानी कि अपने कह सकते हैं कि मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोसाइड बनाना है तो ग्लूकोज को क्या लिखते हैं? C6H12O6 लिखते हैं अपने, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर कर देती हूँ, OH लगा देती हूँ यहाँ पे, पीछे यहाँ पे कार्बन कितने बचेंगे? C6 और हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 11 और ऑक्सीजन कितने बचेंगे? 5। तो ये हो जाएगा C6H11O5OH, ठीक है। और इसके साथ CH3OH की रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने के दौरान अब देखिए यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, किसकी फॉर्म में? H2O की फॉर्म में। और ये C6H11O5 लिख दिया, यहाँ पर क्या जाएगा? O, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा OCH3, और इसको बोलेंगे ग्लूकोसाइड। क्या बोलेंगे? ग्लूकोसाइड। तो हमने किसका निर्माण कर दिया? ग्लूकोसाइड का। किससे कर दिया? ग्लूकोज से। हमने यहाँ पर क्या लिया? ग्लूकोज लिया। अब देखिए हमारे पास में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो अणुसूत्र होता है वो सेम ही होता है, तो हम ग्लूकोज लें या फ्रक्टोज लें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों का अणुसूत्र सेम है, इसलिए अणुसूत्र से अगर रिएक्शन करवाई जाए तो हम रिएक्शन आसानी से करवा सकते हैं और ग्लूकोसाइड बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्लूकोसाइड बना सकते हैं। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है मैथिलीकरण। क्या है? मैथिलीकरण। इसके अंदर क्या होता है? जैसे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई थी और एसीटेट ग्रुप को जोड़ा था, उसी तरीके से इस रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं? मैथिल ग्रुप को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? मैथिल ग्रुप को जोड़ते हैं, यानी मैथिल ग्रुप का मतलब हो गया CH3 को जोड़ेंगे हम, और CH3 को जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि मैथिलीकरण करवाते हैं, तो CH3 की 2SO4 इसको बोलेंगे डाई मैथिल सल्फेट। क्या बोलेंगे? डाई मैथिल सल्फेट, यानी कि हम रिएक्शन करवाएंगे ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? डाई मैथिल सल्फेट के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? डाई मैथिल सल्फेट के साथ में करवाएंगे, जिससे CH3 जो ग्रुप है, यानी कि हम कह सकते हैं मैथिल जो ग्रुप है वो क्या करेगा? इस ग्लूकोज की इकाई और फ्रक्टोज की इकाई के साथ जुड़ जाएगा। तो हम ग्लूकोज को ले लेंगे CHO CHOH की 4 और CH2OH ये ले लिया, और इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोज, ठीक है। और इसके साथ CH3 की 2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब जहाँ जहाँ H है वहाँ क्या जुड़ जाएगा? CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, और CH3 ग्रुप जुड़ेगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा? मैथिलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथिलीकरण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर CHO और CHOCH3 और CH2OCH3 यह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 लगा देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 तो CH3 यहाँ जुड़ गए और 1 CH3 नीचे जुड़ गया, टोटल कितने जुड़ गए? 5 जुड़ गए। तो 5 जुड़ गए तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? पेंटा मिथाइल ग्लूकोज। क्या कह सकते हैं? पेंटा मिथाइल
ग्लूकोज कह सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार फ्रक्टोज के साथ करवाएंगे तो CH2OH और सी डबल बॉन्ड ओ और CHOH की थ्राइस और CH2OH ये ले लिया हमने, और इसके साथ भी डाईमिथाइल सल्फेट की रिएक्शन करवाएंगे, डाईमिथाइल सल्फेट की रिएक्शन करवाएंगे जिसके दौरान CH2OCH3 ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और CHOCH3 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, थ्री लगा हुआ है तो थ्राइस यहाँ लगा देंगे और CH2OCH3 ये आ जाएगा। और यहाँ पर कितने हैं, एक CH3 यहाँ जुड़ गया, तीन यहाँ जुड़ गए और एक यहाँ जुड़ गया, टोटल कितने हो गए, पांच हो गए। तो इसको क्या नाम दे देंगे, पेंटा मिथाइल फ्रक्टोज, क्या हो जाएगा, पेंटा मिथाइल फ्रक्टोज हो जाएगा, ये पेंटा मिथाइल ग्लूकोज हो गया। इस तरीके से हमने मोनोसेक्राइड इकाइयों की कुछ रिएक्शंस की जिसके अंदर एसिटिलीकरण, जिसके अंदर एसीटेट बनते हैं, दूसरी रिएक्शन PCl5 के साथ जिसके अंदर हेलोजन भी उत्पन्न बनते हैं, और तीसरी रिएक्शन ग्लूकोसाइड बनाया हमने, ग्लूकोज या फ्रक्टोज के अणुसूत्र से ग्लूकोसाइड बना सकते हैं, और जो लास्ट रिएक्शन हमने की वो है मैथिलीकरण। तो इस तरीके से ये मोनोसेक्राइड इकाइयों की कुछ सामान्य रिएक्शन थी। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, बाकी नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।